हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड के यूजर हैं और यदि आप एक मिस्टेक कर दोगे तो आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक हो सकता है या फिर डायरेक्टली टर्मिनेट भी हो सकता है। तो आखिर कौन सी वैसी मिस्टेक है जिसके करने से आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है, वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको जो कार्ड मिलते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी में कार्ड मिल जाता है, पहला आपको पर्सनल यूज के लिए मिलता है और दूसरा आपको जो कार्ड मिलता है वो कमर्शियल यूज के लिए भी मिल सकता है। डिपेंड करता है वो आपने कौन सा कार्ड लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड के बारे में, तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड जो है एक पर्सनल यूजर्स कार्ड है। इसको आप कमर्शियल यूजर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो, यानी आप बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हो। जब आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करोगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाया जाएगा कि आप इस कार्ड को पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो। तो आप इस कार्ड को पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे तो आपको कोई भी क्षति नहीं होगी, लेकिन आप इस कार्ड को कमर्शियल यूज के लिए यूज करोगे तो आपका कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है या फिर टर्मिनेट भी हो सकता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन में कंप्लीट लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्ड को अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको टर्म्स एंड कंडीशन को रीड नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी मेन पॉइंट है कम से कम उसे तो जरूर से रीड कर लेना चाहिए। और ऐसे कुछ केसेस जो है बहुत सारे लोगों के साथ में हो चुका है तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपके साथ में ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे आखिर कमर्शियल यूजर्स है क्या जिस कारण से आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है या टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे, आपको पता है अगर आप शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो जो भी बैंक्स ऑफर्स होते हैं, लाइक जैसे कि अभी बिग मिलियन डेज में 10% का डिस्काउंट मिल रहा था एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा था कोई भी प्रोडक्ट बाय करने पर। उसके अलावा आपको 5% का एडिशनल कैशबैक भी मिल रहा था, जो कि अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है आपके कार्ड के ऊपर, जितनी भी आप स्पेंड करोगे उसके लिए आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। तो इस दोनों ही बेनिफिट का लाभ लेने के लिए बहुत सारे यूजर्स ने क्या किया है कि बल्क में कोई चीज ऑर्डर कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं मोबाइल फोन, कि आप एक मोबाइल फोन दो मोबाइल फोन अगर बाय करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप 20-25 फोन ऑर्डर करोगे तो बैंक भी सोचेगी कि आप एक ही अमाउंट की ट्रांजेक्शन जो है और मोबाइल फोन के लिए आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप सिंगल पर्सन हो और ये कार्ड जो है पर्सनल यूजर्स के लिए आपको दिया गया है, तो आप इस कार्ड को जो है पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर रहे हो बल्कि कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हो। तो इस कारण से आपका कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर हो सकता है डायरेक्टली इसको टर्मिनेट ही कर दिया जाए। अगर आपका कार्ड ब्लॉक होता है तो आप उसको कॉल करके उनको समझाकर हो सकता है आपका कार्ड जो एक्टिवेट हो भी जाए, लेकिन आपका टर्मिनेट हो जाता है तो बहुत ही कम चांसेस है, यानी 100 में से 1% चांसेस उस कार्ड का आप दोबारा से रिकवरी कर पाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि दोबारा से ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर भी अगर आप इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हो तो वो कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप भी अगर इस तरह से कमर्शियल यूज के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको जो भी 5% का अनलिमिटेड कैशबैक होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो। और ये यही कार्ड नहीं है बल्कि इसके अलावा जितने भी और जो कार्ड्स होते हैं जैसे कि अमेजोन आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड, गूगल पे एस क्रेडिट कार्ड, तो इन सब कार्ड्स का भी अगर आप यूज करते हो और बल्क में कोई चीज ऑर्डर करते हो, लाइक फोन हो गया, टीवी हो गया या कोई भी ऐसी एसेसरीज हो गई जिसको आप बल्क में ऑर्डर करते हो, एक दो नहीं बल्कि 50 ऑर्डर कर लिए, 25 ऑर्डर कर लिए, तो बैंक भी ये सोचती है कि एक पर्सन को इतने सारे प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत पड़ गई, तो इस कारण से आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी सेल वगैरह जब आता है तो वहां पर 1-2 दिन आप फोन वगैरह बाय कर सकते हो अपने एक कार्ड का यूज करके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप इससे ज्यादा प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका कार्ड जो है ब्लॉक हो सकता है, तो आपको इस मिस्टेक को नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझा दिया है कि कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है जिससे आपका कार्ड के साथ में ब्लॉक होने की या फिर टर्मिनेट होने की नौबत आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।